स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इग्नू के तरफ से अभी अभी एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार जो आपके दिसंबर में एग्जाम होने वाले थे फिलहाल उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला था वो अभी फिलहाल दिसंबर में नहीं होगा, उस एग्जाम को जो है फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इग्नू की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें आपको साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020, और यहाँ पर आपको साफ साफ बताया जा रहा है कि आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला था दिसंबर 2020 में वो फिलहाल नहीं होगा, उसे पोस्टपोन किया जाता है, और जो आपका दिसंबर का एग्जाम है उसे जो है फरवरी के फर्स्ट वीक से कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि आपके जो दिसंबर 2020 के एग्जाम है वो अभी दिसंबर 2020 में नहीं होंगे, उसे जो है फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पर आपको और भी बहुत से इम्पोर्टेंट चीजें बताया गया है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिए। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जो अभी अपना एग्जामिनेशन फीस जो है वो अभी 15 दिसंबर 2020 तक पे कर सकते हैं, यानी कि आपके एग्जाम फीस भरने का भी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो आप 15 दिसंबर 2020 तक अपने एग्जाम फीस को ऑनलाइन पे कर सकते हैं। साथ ही में आपके असाइनमेंट सबमिट करने का डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अभी आप अपने असाइनमेंट को जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन 15 दिसंबर 2020 तक सबमिट करवा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप अपना प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप और फील्ड वर्क को जो है 15 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सबमिट करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो तीन ये पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझिए। नंबर चार में यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप जून में एग्जाम देने के लिए अपना एग्जामिनेशन फीस पे किए थे और आपका एग्जाम जो है जून 2020 में नहीं हुआ था, जो एग्जाम अभी दिसंबर 2020 में होने वाले थे तो वो एग्जाम जो है अभी फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आपके एडमिशन का वैलिडिटी जो है दिसंबर 2020 तक था तो उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स के एडमिशन का वैलिडिटी दिसंबर 2020 था तो उसे एक्सटेंड करके जून 2021 कर दिया गया है। जैसा कि आपको पता है इग्नू के तरफ से री एडमिशन का सर्विस जो है बंद हो चुका है, तो जिन भी स्टूडेंट्स के एडमिशन का वैलिडिटी दिसंबर 2020 में खत्म हो रहा था तो उसे जो है जून 2021 कर दिया गया है, तो यानी कि आप जो है फरवरी में एग्जाम दे पाएंगे। और यहाँ नंबर पांच में आपको बताया जाता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2020 में एग्जाम देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाए थे, यानी कि एग्जाम फीस पे किए थे और उनका किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को जो है दिसंबर में एग्जाम देने के लिए परमिशन दिया जाता है और उनका जो दिसंबर का एग्जाम है वो अब फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी अपना एग्जामिनेशन फीस नहीं पे किए है दिसंबर एग्जाम के लिए, जो कि अभी फरवरी 2021 में होंगे, तो उन स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि वो अपना एग्जामिनेशन फीस जो है अभी पे कर सकते हैं। ₹150 जो है उन्हें पर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फीस पे करना होगा। और यहाँ नंबर छह में आपको बताया जाता है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने जून 2020 में एग्जाम देने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी कि जिन्होंने भी एग्जाम फीस पे किए हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम फीस को जो है दिसंबर एग्जाम के लिए एडजस्ट किया जाएगा और आपका जो दिसंबर का एग्जाम है वो फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में आपको बहुत कुछ बताया गया है। सबसे पहले तो आपको यही बताया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो अभी फिलहाल दिसंबर में नहीं होगा, उसे जो है फरवरी के फर्स्ट वीक से कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। और साथ ही में अभी आप अपना एग्जामिनेशन फीस जो है 15 दिसंबर 2020 तक पे कर सकते हैं और साथ ही में आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन 15 दिसंबर 2020 तक सबमिट कर सकते हैं, और जितने भी आपके प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है और फील्ड वर्क है उन सभी के लिए आप जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन ये सभी चीजें जो है 15 दिसंबर 2020 तक सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये सभी चीजें अच्छे से बता दिया गया है और इस नोटिफिकेशन को जो है इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यहां पर अपडेट कर दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से जो आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।